कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग मस्त होंगे। और जैसे कि जो है हम पुनः आप लोगों से सेकंड टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसमें से जो है काफ़ी बच्चे जो हैं जो सुविधाएं ना मिलने की वजह से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग, ठीक ना, टर्म्स ये लेकर हम आए हैं आपके पास कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो क्या है। इसमें से हम बात करेंगे कि जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए, इवेंट हो गए आपके, बिजनेस एंटिटी हो गई, कैपिटल हो गए, ड्राइविंग हो गया, ठीक ना, एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ये जो है एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं, चाहे आप 11th में हो कॉमर्स वाले, चाहे 12th हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, अदरवाइज आप चाहे बीसीए सेकंड सेम की बच्ची हो, ठीक ना। जैसे कि जो है कानपुर यूनिवर्सिटी और जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, दोनों में ही ये आपका जो है सेम लेवल में मैच करता है। तो चलिए आज जो टॉपिक लेकर आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं आप लोग जो है। चलिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या दिया है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट आपके पास दिया हुआ है वो दिया है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या दिया है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि इट मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट इनिशिएट्स द अमाउंट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन इंटरप्राइजेस। मैं यहाँ पर जो है इंटरप्राइजेस आपसे मेंशन किया गया है, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है कोई भी कंपनी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या रिलेटेड करना है, कहने का है कि जो है यहाँ पर किससे मीन्स रिलेटेड करना है, फाइनेंशियल। यहाँ पर हाईलाइट भी है ऑलरेडी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज इवेंट होना, ठीक ना। दैट इनिशिएट, उससे पहले वो किसका प्रोसेस करना काम करना चाहिए, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग का, ठीक ना। मीन्स ये जो आपका जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम होना चाहिए। और ये किसमें कहलाता है, इसमें जो किसमें किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो है आपका जो ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट है, आप ये जिसको जो अकाउंटिंग और प्रोसेस होते हैं उसको आप किसमें लेन देन करते हैं, किसमें क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक ना। तो ये है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो ये अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जा रहा है। इसको हम लोग क्या अभी तक पढ़े थे पहले, IMRCS अकाउंट, ये आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंट है। आई मीन्स आइडेंटिफाई, एम मीन्स मेजरमेंट, आर मीन्स रिकॉर्डिंग, सी मीन्स क्लासिफाइंग, एस मीन्स समराइजिंग, ए मीन्स एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, एंड सी मीन्स कम्युनिकेट टू यूजर्स, ठीक ना। ये आपके पास थे, तो ये आपने पढ़ा कि जो है एक्चुअल में क्या है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि आगे, ठीक है, जो यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में हमने अब बात की है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में बात करने के बाद में उसकी डिफिनेशन मीनिंग पॉइंट्स बताए, अब उसमें और एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हमने जो है टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। टू टाइप्स में डिवाइड करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर पहला पॉइंट आया है ये, सेकंड पॉइंट आपके पास आया है ये, ठीक है ना। तो चलिए हम कोई कलर चेंज कर लेते हैं पहले, कलर चेंज करने के बाद में थोड़ा सा इसका जो है ये स्लो कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले आपके पास किया कि टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स में फर्स्ट आपके पास रहता है ये आपके पास कि इसको कहते हैं रिलेशनशिप विथ द अकाउंटिंग यूनिट। रिलेशनशिप विथ द अकाउंटिंग यूनिट ये आपके पास टू टर्म में होते हैं, एक ये टर्म होता है और एक ये टर्म होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरनल और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो आप लोग कौन करता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है डिप्रिसिएशन जैसे हो गया, ये क्या करता है, जो है कंपनी हो या कोई भी जो है फैक्ट्री हो उसमें जो जैसे डिप्रिसिएशन एग्जांपल में दिया गया है, ये क्या करता है, एसेट को जो है की वैल्यू को गिराता है। जैसे कोई भी कंपनी, आपने जो कंपनी में जो है कोई भी जो है मशीन आपने परचेज की है, उस परचेज करने के बाद में कुछ समय बाद उसका जो है एक डिप्रिसिएशन हो जाता है। मीन्स वो जिस कंपनी जो एक्चुअल में जो आपने परचेज की थी
उससे कम ही लागत में आप उसको सेल कर पा रहे होंगे। तो जो बीच में जो गैप आया है उसी पॉइंट्स को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है कैश पेड टू क्रेडिटर, ठीक ना, जिससे हम लोग जो है उधार उधार वाला सीन रहता है ये उससे रिलेटेड है। और दूसरा मूड आपके पास गिवन है ये कि मूड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, मीन्स जिससे हमने जो उधार माल लिया है या कैश लिया है जैसा भी है उसको हमें सेटलमेंट करना है। ये पहला बेस आपके पास है कैश, दूसरा बेस है आपके पास क्रेडिट, ठीक ना। कैसा है कैश और क्रेडिट। तो कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स कैसा है कि जैसे कि अब हम गए किसी शॉप में, हमने कहा भाई चलिए हमें जो है दो रजिस्टर और दो पेन दे दीजिए, हमने पैसा दिया, इसके बाद में उसको पैसा दिया, उससे कॉपी लिया, हमारा सेटलमेंट कंप्लीट कैश ट्रांजेक्शन था। अदरवाइज क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसा होता है कि जो है हमने गए दो रजिस्टर लिया दो पेन लिए, इसके बाद में हमने कहा भाई बाद में ले लेना, तो बाद में लेने के बाद में बाद जब भी जाएंगे तो उसका सेटलमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये आपके पास हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार माल, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास मेन कहा गया है कि क्या है अकाउंट, क्या मेंशन किया गया है अकाउंट। ये जो अकाउंट मेंशन किया गया है अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मींस ये अकाउंट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मींस जो है अकाउंट क्या होता है, जो रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजेक्शन को किसके अंडर पे, पर्टिकुलर हेड के अंडर पे। जैसे कि जो आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं मींस जो जनरल एंट्री बनाते हैं तो उसमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर हेड होता है, उस पर मेंशन आप करते हैं कि किसने कैश लिया, किसने क्या किया, परचेज किया, तो ठीक ना ये। और उसके बाद में उस अकाउंट को, पर्टिकुलर अकाउंट को जो होता है उस लेजर जनरल से उस किस में आप ट्रांसफ़र करते हैं लेजर पे, इसको बोलते हैं क्लासिफाई, ठीक है। इसके बाद में आपके पास है कैपिटल अकाउंट, क्या होता है कैपिटल। तो कैपिटल इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइजेस बाय द प्रोवाइडर या ऑनर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है कोई भी जो है हमें बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उस जो है बिजनेस या इंटरप्राइजेस पर, किसके थ्रू, जो है ऑनर के थ्रू या प्रोपाइटर के थ्रू, ठीक है। जैसे कि कहा गया यहाँ पर एग्जांपल भी बना हुआ है कि एक जो है क्या है बंदा है और एक जो है ये बिजनेस है आपका। ये जो बंदा है आपका ये क्या कर रहा है, घर से लाया क्या, क्या लेके आया पैसा, क्या लेके आया पैसा, किस कहाँ पर लगाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए वो पैसा लेकर आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कितना लेके आया 1 लाख, कितना लेके आया 1 लाख लेके आया, और उस बिजनेस में उसने लगा दिया तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मेंशन है कि आपने एक्चुअल में 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपके पास मेंशन है इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी या एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। इसके बाद में सेकेंड आपके पास कहा जा रहा है कि जो है कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेट वर्थ अदरवाइज ऑनर्स इक्विटी। मीन्स जो कैपिटल है उसको आप क्या भी बोल सकते हैं, नेट वर्थ बोलते हैं, अदरवाइज आप उसको जो है ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं कि जो है समता किसकी, ऑनर्स की, ठीक ना। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आपका ये है, सॉरी ये फॉर्मूला आपका ये है कि कैपिटल, कैपिटल हो गया, फिर आपके पास एसेट हो गया, और फिर ये आपका लेबिलिटीज हो गया। मीन्स आपके पास तीन पॉइंट इक्वेशन, और इस यहाँ से ही जो है आपके पास ये जो कैपिटल है कैसे फाइंड आउट हुई, तो ये कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लेबिलिटीज हो गया। अगर यहीं पर हम बात करें कि जो है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो ये जो है एक सिस्टमेटिक जो मैथमेटिक्स जो है का एक्सप्रेशन
देना ही जो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ये भी फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर आप कैसे बात करते हैं, एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास फोर्थ पॉइंट कहा जा रहा है एक्सप्लेन करने पर कि ये ड्राइविंग मीन्स, ड्राइविंग को हिंदी में बोलते हैं हरारन, मीन्स जो कोई भी जो ऑनर होता है उस ऑनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस या कंपनी से निकाल लेता है, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग बोलते हैं, हरारन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि यहाँ पर जो है एक पॉइंट सी मेंशन है कि ये क्या करता है ड्राइविंग में अपना एक सेम सिचुएशन, अभी आपने कैपिटल पढ़ी और ड्राइविंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिर्फ दोनों का इन्वर्स होता है, अभी हम घर से पैसा लेकर आ रहे थे लगाने के लिए किस में, बिजनेस में, और यहाँ से बिजनेस से क्या करेंगे घर पर्सनल पैसा यूज करने के लिए, पर्सनली यूज करने के लिए हम लेके आ जाएंगे, लेकिन ये अथॉरिटी सिर्फ जो है ऑनर्स को मिलती है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट मेंशन भी है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पहला मेंशन है आपके पास ये पर्सनल यूज किसके थ्रू, प्रोवाइडर के, और वो क्या विड्रॉन कर सकता है, ये तो अमाउंट अदरवाइज गुड्स, ठीक है ना, ये तो वस्तु ये तो पैसा, लेकिन किस बेस पर, पर्सनल यूजेस पर। और ड्राइविंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ऑनर्स, और ये अगर जो है वो निकालता है पैसा यहाँ से तो वो क्या करता है उसके जो है कैपिटल में कमी आती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, और इसमें कहा जा रहा है आपसे अब इसके बाद में आपके पास पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, लेवल टीच, कौन सा पॉइंट है, लेवल टीच। लेवल टीच को जो है हमने जो है थोड़ा सा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया है, बोझ या बर्डन, और इसके बारे में समझिए, लेवल टीच मीन अमाउंट व्यूड पेएबल मीन्स जो देना पड़ता है बाय किसके थ्रू, बिजनेस। जो लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, अमाउंट व्यूड या अदरवाइज पेएबल बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा जो पेमेंट करना होता है जिससे हमने लिया है उसको वापस करना होता है रिटर्न, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज अदरवाइज दायित्व। जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट का आ गया आपके पास, लाइबिलिटीज टू वर्ड ऑनर्स इच टर्म एच इंटरनल लाइबिलिटीज, और इंटरनल लाइबिलिटीज को बोलते हैं कैपिटल, मीन्स जो ऑनर क्या करता है टूवर्ड्स मीन लेकर आता है, जो ऑनर्स मेन पॉइंट देखिए मेंशन रहते हैं, सारा पॉइंट्स मेंशन है आपके यहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज बोलते हैं, और इसके बाद में अगर आउटसाइड है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। और एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज होती है वो कब वापस हुई कब वापस नहीं हुई है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बिजनेस है, और यहाँ पर जो है सलमान खान है, ये सलमान खान जो कौन है, आउटसाइडर है, किसी से पैसे लिए कितने, 1,00,000 रुपए, 3 मंथ बाद क्या करना है उसको रिटर्न करना है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, और यहाँ पर जो है आपके पास दिया हुआ है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपके पास 2 टाइप्स होती है, एक होती है आपके पास नॉन करेंट लाइबिलिटीज और एक होती है आपके पास करेंट लाइबिलिटीज। जो करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, लाइबिलिटीज पेएबल होती है ये, और ये भी क्या होती है आपकी, पेएबल होती है। चलिए दोनों ही पेबल होती हैं, मतलब एक आ गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज और एक आ गया करेंट लाइबिलिटीज। तो जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज का गया वो आफ्टर 12 मंथ के बाद में ही आप पेमेंट करेंगे, जो लाइबिलिटीज पेएबल है वो आफ्टर 12 मंथ, जैसे बैंक्स लोन 1 साल के बाद ही आपका जो पेमेंट होता है वो जो है आपके पास क्या होता है, नॉन करेंट मीन्स लंबे समय तक चलना। जो करेंट लाइबिलिटीज होता है मीन्स जो है
विद इन 12 मंथ, मीन्स एक साल के अंदर ही आपको जो है वो पेमेंट कर देना है, उसको बोलते हैं आप लोग करंट लेवल टीच। इसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा भी हुआ है कि क्रेडिटर और जो है बिल्स पेएबल, ठीक है। आगे जो बात कर रहे हैं पॉइंट्स, क्रेडिटर, ये क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, जो ये पार्ट है आपका क्रेडिटर, जो ये क्रेडिटर पार्ट है, इसको हम सेकेंड, ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है इसका हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, वहाँ से आपको पुनः एक्सप्लेन करेंगे कि जो है आपका ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में डेब्टर्स क्या होते हैं, एसेट क्या होती है, एसेट के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एसेट के बाद में बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेएबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेएबल क्या होते हैं, रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ये शायद हम जो है आपको एक क्रॉस 3 पार्ट्स में लेकर आएंगे। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये छोटा छोटा पार्ट रहेगा आपका, लेकिन एक कंसेप्चुअल तरीके से रहेगा विथ कि आपको भी कोई डाउट ना रहे समझने में, ठीक ना। ओके, तो अब चलते हैं। लेकिन अगर आपको ये कुछ कंसेप्ट अच्छे लगे हों तो उस कंसेप्ट के बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा, और इसके बाद पॉसिबल हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।